लोग इसराइली प्रोडक्ट का भी बायकॉट कर रहे हैं। हमने 15 साल पहले बायकॉट किया, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमने यहूदियों को शिकस्त दी है। ऐसी हुकूमत लाई गई थी जिसके एजेंडे में ये बात शामिल थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। इमरान खान ने कहा था कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। आप कौन होते कि कुर्सी मिली नहीं और कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करवा रहे हैं। मुल्क की मैशियत को तबाह करना और इसराइल को तस्लीम करना इमरान खान के एजेंडे में शामिल था। हमने मुल्क को बचाने की जंग लड़ी है। जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंचा तब जाकर सबकी आंखें खुली। पहले सिर्फ हम कहते थे कि ये फितना है, बैरूनी एजेंडे हर चल रहा है। अब सब कहते हैं ये फितना था। पाकिस्तान को अब मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। हमें अब उन कुव्वतों को समंदर बर्द करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल से हम संभल गए हैं। चीन जैसे दोस्त की सीपेक प्रोजेक्ट को मंचबंद किया गया।